कली मकरानी, मोहम्मद कली मकरानी। मैंने राहुल जी से बताया कि हम लोग देश के पूरे अलग अलग प्रदेशों से कुली आए हुए हैं और हमारी समस्या ये है कि 2008 में लालू जी ने हम लोगों को ग्रुप डी दी थी जिससे हमारा घर चल रहा था उस वक्त। आज हमारे पास काम नहीं है, स्टेशनों पर काम खत्म हो चुका है। मोदी सरकार प्राइवेट जो मोटर वगैरह जो बैटरी कार वगैरह चलाती है इससे हमारा काम समाप्त हो गया है। राहुल गांधी से हमने बताया है कि सर आप हमारी समस्या यही है कि हमें 2008 की तरह ग्रुप डी दी जाए, क्योंकि हम लोगों ने सर बहुत संघर्ष कर लिया, काफ़ी समय संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। हमें लगता है कि हमारी मांग राहुल जी जरूर उठाएंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता था सरकार से भी कि हमारे हमें बेरोजगार सुरेश यादव मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। बाकी कितने लोग आपके साथ आए हुए हैं? जी ये भारत के समस्त 17 जोन से हमारे सारे लीडर्स आए हुए हैं। भारत के जिस तरीके से भारत सरकार में प्रदेश होता है उसी तरीके से रेलवे के अंदर जोन होती है, तो हर जोन से लीडर आए हुए हैं। और हमारी समस्या ये है कि हमारी समस्या सरकारें सुन नहीं रही है। मैं चाह रहा हूँ कि अपनी समस्या को राहुल गांधी जी से अवगत कराएं, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसियां आ रही हैं वो कुली विरोधी पॉलिसियां हैं, उसमें हमें पूरी तरीके से खत्म करने का सरकार का प्लान है। जो टेंडर स्कीम है सरकार की, उस स्कीम के तहत जो गाड़ियां प्लेटफार्म पर चलाई जा रही हैं टेंडर की स्कीम के तहत, उसमें लगेज को भी उन्होंने उसे मेंशन कर दिया है और यात्रियों को, जबकि इस गाड़ियों को चलाने के लिए बोर्ड ने जो पॉलिसी लाई थी उसमें बीमार व्यक्ति और बुजुर्ग और मतलब ओल्ड को दिया गया था, बाकी किसी के लिए नहीं दिया था। लेकिन ये आम यात्रियों के लिए चला दिया गया और लगेज भी उसमें इंक्लूड किया गया है 30 रुपया पर बैग के हिसाब से। तो जिस बैग को ढोने के लिए मुझे रखा गया था आज उस चीज को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है, तो फिर मेरा अस्तित्व तो स्टेशन से खत्म हो रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से, खासकर मैंने कई बार सरकारों से इस बात रखी है, बीजेपी की जो सरकारें कई बार आई उसमें हमने लगभग प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सभी लोगों से, रेल मंत्री जी से कई बार हमने इस बात को रखा है, लेकिन हमारी बात को सरकार नहीं सुन रही। मैं समझ रहा हूं कि मैं इसमें अगर राहुल गांधी जी से मिलूं तो हमारा काम हो सकता है। मैंने राहुल गांधी जी से मिलने के लिए कई बार प्रयास किया और कई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों से और केंद्रीय मंत्रियों से भी मैंने लेटर लगवाया है मिलने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे मिलने का अवसर नहीं दिया गया। इसलिए हम आज खुद उनके बंगले पर आया हूं मिलने के लिए। हमारे पूरे प्रदेश के जितने हमारे कुली लीडर्स हैं वो लोग हमारे साथ हैं और हम उनको अपनी बात से अवगत कराना चाह रहे हैं। मैं उनसे यही एक मांग लेके आया हूं कि इस देश के कुलियों को अगर अस्तित्व बचाना है तो हमें जिस तरीके से 2008 में एम्प्लॉय किया गया था फिर दोबारा एम्प्लॉय कर दिया जाए, क्योंकि सरकार की जो टेंडर स्कीम है इस स्कीम के तहत पूरे हिंदुस्तान का कुली अब बचने वाला नहीं है। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ और मैं बिहार हाजीपुर जोन से हूं और कुली संघ से जुनल अध्यक्ष हूं हाजीपुर जोन से, और मैं इस लड़ाई को विगत 2008 से लड़ता आया हूं। और पूर्व रेल मंत्री के जी के द्वारा जिस प्रकार 2008 में एक पॉलिसी लाई गई थी जिसमें कुलियों को ग्रुप डी का दर्जा दिया गया था गैंगमैन चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का, और 2008 के बाद जिस तरह आज स्टेशन पर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और हरेक स्टेशन पर देख रहे हैं लिफ्ट एक्सीलेटर बैटरी कार चल गई है, जिस कारण हम लोग पूर्णतः बेरोजगार हो गए हैं और आत्महत्या के कगार पे खड़े हैं आधुनिकी के कारण। और हिंदुस्तान में 95% ऐसे स्टेशन है जहां कुलियों को बोहनी तक नहीं होती है, मतलब एक रुपया भी हम लोग नहीं कमा पाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि 2008 वाली पॉलिसी ला के हम लोग को ग्रुप डी कर्मचारी का दर्जा दिया जा सके, ताकि हम लोग भी बाल बच्चे के साथ मान सम्मान की जिंदगी जी सके। बिल्कुल, हम लोग कई बार प्रयास किए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है, तो हम लोग विभिन्न प्रदेशों से भी देख रहे हैं कि हरेक जोन से लीडर लोग आए हुए हैं। आज मैं उनके बंगले पे खड़ा हूं, मैं चाह रहा हूं कि राहुल गांधी से हमारी मुलाकात हो और अपनी समस्या को जो है उनसे लेके सदन के उच्च पटल पर लोकसभा में उनके माध्यम से पहुंचा दूं। आपको क्या बोला गया सर? जी उनके सामने हमने अपने देश के कुलियों की समस्याओं को रखा, जो हमारी समस्याएं हैं, और हमारी बात को उन्होंने प्रमुखता से सुना है और उन्होंने ये भी कहा कि आप इसमें क्या चाहते हैं, तो हमने यही कहा कि हमारे देश की कुली का जो वजूद है वो खत्म होता जा रहा है, इसे बचाया जाए।
उनके बचाने का इसका तरीका क्या है, तो मैंने कहा उसका तरीका यही है कि जिस तरीके से 2008 में एक पॉलिसी ला करके स्कूलों को एम्प्लॉय किया गया था, उसी तरीके से पॉलिसी ला करके एम्प्लॉय कर दिया जाए। क्योंकि आज रेलवे स्टेशनों को जो तकनीकी से जोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, चाहे एक्सीलेटर हो, बैटरी गाड़ियाँ हों और ईवैन हों, इसकी वजह से हमारा काम ख़त्म हो गया है। और बड़े स्टेशनों पर जो काम ख़त्म हुए हैं वो इन सारी चीज़ों की वजह से ख़त्म हुआ है। जो छोटे रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि छोटे रेलवे स्टेशनों पर तमाम सारी टेक्नोलॉजी जैसे बैटरीज हैं और कम प्लेटफार्म में लोग बाहर आ जाते हैं, तो इसकी वजह से जब तक कोई इनके पास अर्निंग की व्यवस्था नहीं होगी तब तक इनका कुछ कायाकल्प नहीं होगा। उन्हें कहा ठीक है, इस पर हम बात करें। उनकी तरफ से क्या बोला गया? किसकी तरफ से? आपको क्या बोला गया? उनकी तरफ से बोला गया कि एक काम कीजिए कि आप अपना जो डेलीगेशन है थोड़ा ऑफिस में जा करके बता दीजिएगा और इस पर हम यथासंभव जो भी होगा वो पार्लियामेंट में बात करेंगे और इस पर आपकी मांग को रखेंगे। जी, ज्ञापन सौंपा मैंने। अंदर भी आपकी मुलाकात हुई? जी, अंदर नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनके और कुछ लोग थे, उन लोगों ने, दो तीन लोग थे जो ड्राफ्टिंग कर रहे थे और बाकायदा बात कर रहे थे, कई सारी चीज़ें पूछ रहे थे और ये भी पूछ रहे थे कि कुलियों की इस मसले को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में उन लोगों ने पूछा। तो हमने कई सारी चीज़ें बताई कि जैसे पार्सल है, पार्सल में आज पूरा पार्सल प्राइवेट में चला गया है जिसका टेंडर हो रहा है। अगर जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर कुलियों को आप प्राइवेट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, टेंडर का काम ख़त्म करके वहाँ पर रेगुलर कर सकते हैं, जैसे पहले एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर वहाँ वर्कर हुआ करता था। और दूसरा चीज़, छोटे रेलवे स्टेशनों पर बहुत सारे पद खाली हैं, वहाँ कहीं भी कुली को मर्ज कर दिया जाए या तो कुली में ही मर्ज कर दिया जाए। हमारा टोटल फोकस ये है कि कुली के लिए पैसे की ज़रूरत है और अब उनके पास पैसा कहीं से आता नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो ड्राफ्ट बना करके किए हैं और यही बात राहुल गांधी जी ने भी किया है कि ठीक है, हम इस पर देखते हैं आपका मसला कैसे सॉल्व हो सकता है।